तेरी दया पाके मुक्ता तेरी हूँ, कौन है इस जग में सहारा ना ले माँ बाप दे, घर में रोशनी जले माँ, जय भवानी जय जय भवानी माँ, कंचन सारे कपूर की बाती पूजा करे धूप दीप नारे माँ भात के अंधेरे घर में रोशनी जले माँ, कपूर गौरम गरुड़ा तारम संसार सारम मुजेंद्र हारम सदा संतम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में होम साइंस विथ रिंकी, और मैं रिंकी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले जय माता दी, गुड मॉर्निंग। और सुबह के करीब 9:30 बज रहे हैं और आज हमने सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और सुबह मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया था शुरुआत की वीडियो में। और सबका चाय नाश्ता हो चुका है और ठंड की वजह से अब थोड़ा लेट हो जा रहा है नाश्ता चाय करने में, क्योंकि 9 तो 9:30 तो बज ही जाते हैं अभी, मतलब 9:30 बज रहे हैं, 9 बजे तक मैं सबको नाश्ता चाय करवा देती हूँ। लेकिन अब ठंड होने लगा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है और ठंड की वजह से जल्दी जल्दी काम भी नहीं कर पाती हूँ, और मेरे पैरों में और मेरे कमर में बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से दर्द होने लगता है। तो और वैसे जो नेचुरल मतलब जो और दिन वाले मौसम होते हैं तो उन दिनों में तो 8 बजे या 7 बजे सबका नाश्ता करवा देती हूँ, लेकिन अब तो ठंडक आ गई है तो 9 बजे तक ही सबका नाश्ता करवा पाऊंगी। तो चाय नाश्ता सबका हो चुका है, अब लंच की तैयारी करूंगी। तो अभी नहीं सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूं, और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने कल वाले वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया जो हमने संगीता के लिए बनाया था। मेरी बहुत सारे भाई और बहन मुझे बोला कि आपने बहुत अच्छा किया, तो थैंक यू सो मच सिस्टर, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और संगीता है ही ऐसी इतनी अच्छी कि उसके ऊपर वीडियो बनाने का मन ही किया, और उसको मतलब सब लोग दुखी कर देते हैं तो दुखी हो जाती है, तो मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता है। एक्चुअली क्या है, जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो उन लोगों को मतलब कुछ बुरे लोगों को अच्छा नहीं लगता कि ये गांव की औरत होकर के आगे कैसे बढ़ जाए, तो इस वजह से उसके टांग खींचने में कुछ लोग लग जाते हैं। तो मैंने तो उसे समझा दिया है कि डियर आप टेंशन बिल्कुल मत लो, अपने काम पे ध्यान दो, और जब तुम और भी आगे जाओगी तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे और नीचे गिराने के लिए, तो इन लोगों को मतलब इन लोगों के बारे में इतना मत सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हें इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। और तुम्हें अगर 100 अच्छे कमेंट आएंगे तो 2-4 बुरे कमेंट भी आएंगे, तो 2-4 कमेंट वालों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, 100 कमेंट वालों पर ध्यान दो। तो उसने कहा ठीक है सिस्टर, और मैं कुछ दिनों में उससे फिर से मिलने वाली हूँ, हो सकता है वो मेरे घर आए या मैं उसके घर जाऊँ, तो आप लोगों के साथ मतलब शेयर करेंगे, मिलवाएंगे उससे। और बहुत अच्छी है वो, दिल की बहुत साफ है, और हम दोनों का साथ और सपोर्ट ऐसे ही बने रहेगा, आप लोग देखना हम लोग हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। वो तो मेरी गांव की बेटी है, तो गांव की बेटी होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी हर दुख तकलीफ में उसका साथ दूं,
चाहे कोई दे या ना दे, लेकिन मैं मुझसे जो बन पड़ेगा मैं उसका साथ और सपोर्ट दूंगी। और वो भी मुझे तरह तरह की मतलब जानकारियाँ देती है यूट्यूब से रिलेटिव। पहले मैं उससे जब मिली नहीं थी तो मेरा मन वीडियो बनाने का बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि मेरे वीडियो पर व्यू नहीं आते थे और मतलब अच्छा रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन उसने मुझे बोला और डाटा समझाया कि दीदी आप मेहनत करो, व्यू पर बिल्कुल मत ध्यान दो और हंसता हुआ चेहरा लेकर आओ। आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देखो, मुझे थोड़ा सा मतलब नर्वस फील होता था और हंसता हुआ चेहरा मैं नहीं ला पाती थी, लेकिन उसी की वजह से मैं अब थोड़ा सा मेरा मन वीडियो में लगने लगा है, क्योंकि वो मुझे हमेशा डांटती बोलती है कि दीदी आप हंसता हुआ चेहरा लेकर आना यूट्यूब पर और व्यू पर बिल्कुल ध्यान मत दो, अपने काम पर ध्यान दो, चाहे तुम्हारे व्यू कम हो या ज़्यादा हो उस पर ध्यान बिल्कुल मत दो, तुम इस पर ध्यान दो कि आप काम कर रहे हो तो कुछ लोग जो देख रहे हैं वो आपको देख करके खुश हो। तो उसने मुझे इतना सब कुछ समझाया और उसकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसी ऐसी बातें वो करती है कि दिल को छू जाता है। तो ये तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा चैनल है तब मैं उसका सपोर्ट कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे, मतलब सोचने वाले सोचेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोग सोचने वाले सोचेंगे, लेकिन चाहे मेरा चैनल रहे या ना रहे मैं उसका साथ सपोर्ट हमेशा दूंगी। और वो भी मेरी बहन जैसी है, वो मुझे दीदी बोलती है, तो मेरी छोटी बहन ही है। तो बस यही आप लोगों को बोलना चाहती थी कि आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने इतने अच्छा अच्छा कमेंट किया मेरे लिए और मेरी बहन के लिए, तो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें भी दीजिएगा ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ और संगीता जैसी बहुत सारी स्त्रियां हैं हमारे गांव में, ताकि हम लोग जब आगे निकलेंगे तो उन लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी यूट्यूब पर आकर कुछ करने की। तो एक छोटी सी कोशिश है, बस वही आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। तो चलिए आज बनाएंगे गोभी का पराठा, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी किस तरीके से मैं गोभी का पराठा बनाती हूँ। आप लोग भी देखिएगा, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए ताकि और लोगों के बीच जाए और थोड़ा सा मेरा हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को किचन में थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोभी है, कद्दूकस कर लिया है और एकदम से बारीक है। और इसमें हम नमक मिला करके रख देंगे करीब 10-15 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी जो है अच्छे से निकल जाए और गोभी में बिल्कुल से पानी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए हमने हाथों से इसे मिला लिया है नमक को, अब हम इसे रख देंगे 10-5 मिनट के लिए इस तरीके से। तो इसका पानी निकल चुका है, इसका पानी अच्छे से निकाल लेना है फ्रेंड्स। अगर इसका पानी अच्छे से नहीं निकालेंगे तो पराठे हमारे अच्छे से बनेंगे नहीं। तो इसका पानी हम देखिए इस तरीके से निकाल ले रहे हैं, इसके इसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ करके, और निचोड़ने के बाद इसको हम छौंकेंगे। बहुत लोग इसे कच्चा ही भर करके बनाते हैं, तो कच्चा वाला उतना अच्छा नहीं बनता है जितना ये छौंक करके बनाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए और इसमें हमने बनाया था पकौड़ी फ्राई किया था, तो इसी में हम गोभी के पराठे बनाने के लिए स्टेप तैयार करेंगे। तो देखिए हरा मिर्च है, इसको डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, तो ये भून चुका है, अब हम इसमें गोभी डाल देंगे। हम इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे,
तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा मसाला ही डाले रहे हैं, ज़्यादा मसाला डाल के नहीं बना रहे हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और हल्दी डालेंगे थोड़ा सा। और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। अब इसको थोड़ा सा ढक देंगे, थोड़ा सा ये पक जाए। चटनी भी देंगे, तो इसे हम भूज कर नहीं बना रहे हैं, कच्चा टमाटर का बना रहे हैं चटनी। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हो। और दो टमाटर लिया है और दो हरी मिर्च लेंगे, लहसुन डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। और टमाटर की चटनी तो वैसे भी अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा धनिया इसमें भी डाल देंगे, थोड़ा सा गोभी के गोभी वाले में डाल देंगे जो हम बना रहे हैं। तो चटनी में लहसुन तो बहुत ज़रूरी होता है, लहसुन का फ्लेवर ही चटनी में बहुत अच्छा आता है। तो आप लहसुन भी इसमें डालिएगा और थोड़ा ज़्यादा ही डाल दीजिएगा। तो देखिए लहसुन भी हमने डाल दिया है, छिलेंगे नहीं ये, इसमें पिस जाएगा। और इसमें नमक भी डाल देंगे। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो ये भी पक चुकी है। इसमें डाल देंगे धनिया। और अब लगा लेंगे आटा, इसको रख देंगे साइड में, तब तक ये ठंडी नहीं हो जाएगी। और इसको रख देंगे साइड में, अब ये ठंडी हो जाएगी। और आटा भी अब लगा लेते हैं और थोड़ा सा गैस है, इसको साफ कर ले। गैस मुझे गंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है फ्रेंड्स, मैं हमेशा साफ करती रहती हूँ, खाना बनाते समय भी मैं साफ करती रहती हूँ। अभी मैं चल रही हूँ पराठे बनाने और आज बच्चों लोगों को यही खिलाऊंगी, गोभी के पराठे और टमाटर की चटनी। तो मन भी नहीं हो रहा था कि दाल चावल रोटी भाजी सब बनाऊं, क्योंकि मन कभी कभी खाना बना बना करके थक जाता है ना। तो इस वजह से आज सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ। बच्चों लोग को पसंद है खा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनको दाल चावल भी खाना होगा तो बाद में बना देंगे। और हमारे पीछे आज धान की पिटाई हो रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, उसके बाद चलती हूँ किचन में। और 12 बज चुके हैं, अब बच्चों लोगों को भूख लग गई है। और आज एक तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और बनाने जा रही हूँ पराठा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाना। और चलिए पराठे बना लेते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो बहुत बड़ी मतलब हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग
पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, एडिटिंग करने जब बैठी तब थोड़ा थोड़ा करके इतना लंबी हो गई और बहुत बड़ी हो जाती वीडियो, लेकिन हमने थोड़ा सा काट दिया है वीडियो। तो आप लोग इतना वीडियो ज़रूर देखना और देखना मैं पराठे कैसे बनाती हूँ। इतना सारा हमने पराठा बनाया है और देखिए और इतना सा बच गया है।